रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज जनाब सैयद अहमद पाशा हाजी साहब की क़यादत में एक इंतहाई अहम वफ़ उलमा मशायख़ पर मुश्तमिल कमिश्नर साहब के ऑफिस पर आया, उनसे मुलाकात की। हमारे यहाँ आने का मकसद जैसा बताया गया है कि आका पाक अलैहिस्सलाम की शान में आए दिन गुस्ताखान की जा रही हैं और ब्लास्फेमियस कमेंट्स डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं। इस पर सारे मुल्क में हंगामा आराई बरपा हुई है और हर मुल्क के पुलिस स्टेशन में हर तरफ हर शहर ही में कंप्लेंट्स दर्ज की गई हैं। हम मुतालबा करते हैं मुसलमानों से कि ऐसे नाजुक वक्त में अपने आप को पेशेंस से रखें, सुकून और इत्मीनान से रहें। यकीनन हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी के सिलसिले पर कोई आवाज़ नहीं उठाई है, आवाज़ ज़रूर उठाई है, लेकिन साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात आपकी निगाहों के सामने हैं। इस तनाजुर में आप एहतियात को बरतें। अभी कमिश्नर साहब ने हमको बताया कि रियासत तेलंगाना में बिलखसूस हैदराबाद में नाइट का कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। मैं मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि एडियर टू द पॉलिसीज एंड द रेगुलेशंस ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, कोऑपरेट करें। अल्लाह रब तबारक व तआला ज़रूर फजल फरमाएगा।